नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपने जीजीडी परिवार 1.5 लाख सदस्यों का हो गया है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी, और धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखा। आज की क्लास में साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि यदि मैं सीधा पढ़ाता तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता, लेकिन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए चुनौतीप्रद है, क्योंकि इसमें से वे चीजें ही, जैसे डिस्क्रिप्टिव तो मैंने आपको गाइड में दे रखी है, ठीक है, और वन लाइनर इसके ऊपर जल्द मिल जाएगी आपको, उसके अंदर भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना भी है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाना है, तो थोड़ा सा मेरे लिए चुनौतीप्रद था, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। तो जो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, इसको समझना साथियों, आज जो चीज है वो समझने वाली ज्यादा है, और यहाँ पे समझ के आधार पे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरणीय समस्याओं को अपन समझेंगे और उनके निराकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन पर्यावरणीय समस्याओं को समझने वाले हैं। अपनी महाद्वीप वाली क्लासेस पूरी हो चुकी, महासागर वाली पूरी हो चुकी, और वैश्विक पवन तंत्र। विश्व में जो सर्वाधिक सवाल बनते हैं वो इन तीन टॉपिक में से बनते हैं। इसके बाद में एक दो सवाल, यहाँ से एक एक सवाल बन सकता है बाकी के टॉपिक में से, फिर यूएनओ वाले में से बनेगा, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। यहाँ ये जो टॉपिक है इसमें से एक आध सवाल आता है, लेकिन अपन इस चक्कर में इसको छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, अपने जितने साथी हैं उनके साथ भी शेयर करते रहें, ताकि काफी सारे ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थी होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ कई बार, तो पता चलता है कि सर हमें अभी पता चला, हमें पहले पता चलता तो हमें काफी मदद मिल जाती। जरूरतमंद है, जो ऐसे साथी है जो कोचिंग कहीं ना कहीं करना चाहते कर नहीं पाते, जो पुस्तक भी बहुत मुश्किल से ले पाते हैं, तो ऐसे साथियों तक पहुंचाने की कृपा थोड़ी सी आप लोग करें। कर भला तो हो भला, जरूर होगा भला यदि आप करने का सोचेंगे तो। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपन पर्यावरणीय समस्याएं। सबसे पहले यदि बात की जाए पर्यावरण क्या है, अब बचपन से पढ़ते आए हैं, पांचवी से पढ़ते आए हैं लगभग, जहां पांचवी से थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हो जाती है। तो परि प्लस आवरण, अपने चारों तरफ जो भी हम देखते हैं वो पर्यावरण है, सीधे साधारण शब्दों के अंदर कि हमारे चारों तरफ जो भी है वो पर्यावरण है। अब पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती है वो, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने का, सरल शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है साथियों। आइए पढ़ते हैं। यानी कि मानव द्वारा की गई अवांछित गतिविधियां, अवांछित यानी जो नहीं करनी चाहिए, जो वांछनीय नहीं है, जो मतलब जरूरत नहीं है जिनकी, वे गतिविधियां जो यहाँ की गई है, और उनके द्वारा पर्यावरण में हुए ऐसे बदलाव जिनकी भरपाई वापस स्वतः प्रकृति द्वारा न की जा सके, इनमें कुछ प्राकृतिक कारक भी शामिल होते हैं। समझना है इस चीज को। ऐसी गतिविधियां मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा की जाती है, हालांकि इसमें कुछ प्राकृतिक भी शामिल है, लेकिन मनुष्य द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाती है जिसके जिसकी भरपाई वापस प्रकृति से ही नहीं हो सकती। मतलब स्वतः कर दे तब तो वो पर्यावरणीय समस्या नहीं है, लेकिन वो स्वतः नहीं हो सकती तो वो मतलब प्रकृति से छेड़छाड़, एक तरीके से सीधी सी बात है, प्रकृति से छेड़छाड़ की जाए और उसकी वापस भरपाई ना हो पाए, तो ये अपने लिए क्या है, पर्यावरणीय समस्या है। यानी कि आगे भविष्य में जीना दुष्कर हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा, ये है पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है साथियों, तो पर्यावरणीय समस्याएं, अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या क्या है इसके, पर्यावरणीय समस्याओं में प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक के पीछे भी कहीं ना कहीं मानव जनित, मानव का हाथ हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक कारण इसमें सबसे ज्यादा, जो अब इसमें प्राकृतिक कारणों में जो मेन चीज रहेगी वो सूर्य ताप रहेगी, ये ध्यान देना आप, सूर्य ताप ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो सौर विकिरण में भिन्नता। ठीक है, सौर विकिरण यानी सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो तपन प्राप्त होती है, जो ताप प्राप्त होता है, उसकी भिन्नता, कहीं पे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, और कहीं पे कम, और वो भी समय के अनुसार बदलता रहता है, वो है अपने सौर विकिरण में भिन्नता। तो इसमें क्या होता है साथियों कि सूर्य ताप में वृद्धि होने से पृथ्वी व वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, और यदि कमी होगी तो ठंडक बढ़ेगी, बर्फ पड़ेगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या परिवर्तन होगा, आजकल अपन देख रहे हैं चारों तरफ देखना त्राहिमाम 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 मचा हुआ है, वो इस कारण क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मार्च महीने फरवरी महीने से ही गर्मी पड़ने लग गई, मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिले हैं, ऋतुएं बदल गई, ऋतुओं का समय बदल गया, ये सारे के सारे पर्यावरण के अंदर चेंजेस है जो अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी। ठीक है ना, अब बर्फ ग्लेशियर ध्रुवों की बर्फ पिघल दी,
अब उससे क्या होगा, बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ने से और बहुत सारी घटनाएं सुनामी वगैरह ये सब प्रभावित होती है, जल धाराओं महासागरीय धाराओं में वृद्धि होगी। और यदि सूर्य के विकिरण यदि औसत नहीं बना रहता और कम होता है तो बर्फ में वृद्धि होगी, तो वो भी अति भी खराब है और कमी भी खराब है। तो ये पर्यावरणीय मतलब क्या है, सौर यह समस्या का एक कारण है कि सौर विकिरण में भिन्नता। दूसरी बात करें तो सौर कलंक, हालांकि ये अपने सौर मंडल का टॉपिक है और रीट वालों के लिए जो जल्द आने वाली वन लाइनर है उसके अंदर इसको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, बेहतरीन तरीके से संकलित किया गया है। तो सौर कलंक जो होते हैं सूर्य के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं वो सौर कलंक कहलाते हैं। हालांकि ऐसे अपन नहीं देख सकते क्योंकि नंगी आंखों से तो वैसे भी सूर्य को देख नहीं पाते अपन, तो ये सौर कलंक है। और सौर कलंक के बढ़ने से क्या होता है साथियों, सौर कलंक के बढ़ने से सौर विकिरण भी बढ़ती है और विकिरण बढ़ने से फिर वही तापमान में वृद्धि होगी, और यदि कम होते हैं तो तापमान में कमी होती है। तो कुल मिला के सूर्य ताप बहुत प्रभावित करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ बाहर जगह जगह आएगा। अब जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन, ठीक है, या ज्वालामुखी उद्गार कह दो, अब ज्वालामुखी जब फूटता है तो कई तरह की गैसें निकलती है, जल वाष्प निकलती है, कई बड़े पत्थर निकलते हैं, कई छोटे धूल के कण निकलते हैं, कई राख निकलती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब जब ज्वालामुखी उद्गार जहां होता है वहां तापमान में एकदम से वृद्धि होती है, क्यों, ज्वालामुखी से क्या चीज निकलेगी, देखो बाहर निकलेगा तो लावा है, अंदर चल रहा है तो मैग्मा है, ये ज्वालामुखी वाला टॉपिक। विद्यार्थी कल कमेंट देखे मैंने, कह रहे थे कि सर ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ा दो, कोई कहता है ये पढ़ा दो, कोई कहता है वो पढ़ा दो, और मेरे दिमाग में क्या है कि पहले इनका सिलेबस पूरा करवाया जाए, जो बीड़ा उठाया उसको पूरा करवाया जाए, कहीं ये बीच में नहीं रह जाए, तो इसलिए मैं इधर उधर देखो, आप कहते हो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पुस्तकों के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से, अब रीट वालों के टॉपिक है, ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों के नहीं है, और रीट वालों को वन लाइनर बहुत जल्द देने वालों, कंसेप्चुअल गाइड ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, तो वन लाइनर के अंदर बेहतरीन, आप मतलब आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो के अंदर भी यदि पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, अन्य एग्जाम जिसके अंदर ज्वालामुखी भूकंप पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, आपको कहीं कोई कमी महसूस नहीं होगी, और आप यदि वन लाइनर पढ़ते हो तो आपको लगेगा भी यही कि सर खुद पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आपको दिया गया, तो चिंता ना करें, थोड़ा धैर्य रखें सिर्फ, बाकी कोई नहीं, बेहतरीन चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है हमेशा का है, और मैंने कभी जल्दबाजी करके आपको कोई भी चीज नहीं दी है, लेकिन समय पर दी है ये भी आप जानते हैं। तो वहां पे अब ज्वालामुखी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बता देता हूँ, भूकंप नहीं पढ़ाऊंगा, और जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन सीधा याद होगा, ये भी बात पक्की पता है आपको, लेकिन टाइम को नहीं थे थान ध्यान कौन, पांचवी बोर्ड में कॉपियां संग्रहण केंद्र का प्रभारी भी हूँ, वहां पे भी ड्यूटी पूरी तरीके से निभानी पड़ती है, बस जिसके बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी आती है वो एक दिन आगे छोड़ दिया, ठीक है, छुट्टी, यहाँ पे कंटिन्यू है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है ऐसी कि क्या करें, मजबूरी है, अब वहां पे मना नहीं कर सकते, जिम्मेदारी है, वो यहाँ भी जिम्मेदारी है, सभी को संभालना पड़ता है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी उद्भेदन में क्या है साथियों, जहां पे ज्वालामुखी उद्गार होगा वहां तापमान में एकदम से बढ़ोतरी होगी। अब जो इसकी धूल और राख है वो काफी फैलती है, काफी फैलने से क्या होगा कि जो सौर विकिरण है उनका ये अवशोषण करती है, अवशोषण करने से क्या होगा कि गर्मी, यानी कि ज्यादा लंबे एरिया पे यदि प्रभाव देखोगे तो गर्मी के अंदर वो कमी लाएगी। तो ये चीज है कि पास में और दूर में भी ये इस तरीके से पर्यावरण की, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको प्रभावित करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वायुमंडलीय गैसीय संयोजन, ठीक है। अब वायुमंडल गैसें हैं, वैसे देखा जाए तो सूर्य भी गैस का गोला है, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, तो वायुमंडलीय गैसीय संयोजन बहुत तरह तरह की गैसें हैं। अब उनकी यदि निश्चित मात्रा नहीं रहती है, उनके अंदर भी घटोतरी बढ़ोतरी होती है, तो वो भी एक तरह की समस्या ही है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बढ़ जाए समस्या है, ऑक्सीजन भी एकदम से बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी समस्या हो जाएगी। तो जो भी है मतलब गैसों का जो निश्चित मापदंड है वो रहना चाहिए, और उनके अंदर यदि कोई बदलाव होता है, मात्रा में निरंतर होने वाले परिवर्तन वायुमंडल और इन सभी को परिवर्तन मतलब प्रभावित करते हैं। तो ये तो है अपने प्राकृतिक कारण है कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं, और मानवीय कारण आप सभी को ध्यान है, क्यों ध्यान है, क्योंकि आप भी मानव है, थे कहीं करो मैं भी करूं, मैं कहीं करूं अगला ही करे, सब करते हैं ये गलतियां, और मतलब ज्ञान सभी देते हैं, मैं भी दे रहा हूं, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी नहीं चूकूंगा इसे करने से, ये शाश्वत सत्य है। और जब बदलाव तब होगा जब हर व्यक्ति प्रयास करेगा तब बदलाव होगा, सिर्फ
मैं तो रोक रहा हूं अपने आप को और मेरा पड़ोसी कर रहा है, तब मैं रोक रहा हूं तो क्या मेरे परिवार के सदस्य चाहेंगे कि वो भी औद्योगिकरण करें, नगरीकरण करें? ये चीजें होती है, समस्या यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, नगरीकरण। अब नगरीकरण यानी नगरों का बढ़ना। गांवों में तो क्या होता है, पेड़, प्राकृतिक वातावरण, माहौल तो गांवों का ही है। सही में देखा जाए तो जन्नत जो है वो गांवों में ही है, ठीक है। अब शहरों में पेड़ देखने को मिलेंगे नहीं, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची देखने को मिलेगी, प्रेम देखने को मिलेगा नहीं, आदमी हमेशा व्यस्त देखने को मिलेगा। तो सिटी का ये नगरीकरण है, नगरीकरण, नगर बनाने के लिए मॉल, बिल्डिंगें ये बनानी होगी, प्राकृतिक हवा मिलेगी नहीं, एसी मिलेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे अब क्या करेंगे, पेड़ होंगे बीच में तो काट दिए जाएंगे, और फिर कई जगह तो पेड़ ये कहकर काटे जाते हैं कि 10 पेड़ काट के 1,000 लगाएंगे। अब वो 10 जो 1,000 साल से खड़े हैं उनको काट कर आप 1,000 पेड़ लगाओगे, वो वापस विकसित होंगे, तब तक तो वो तापमान पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जो पुराने पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उसे विकास के नाम पर, नगरीकरण के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर काट दें, और उसके बाद वो कब विकसित होंगे वापस? यदि मेरे जैसे कोई शिक्षक यहाँ खड़ा रहकर कह दे कि यहाँ ये नहीं करना चाहिए, तो फिर और कोई विद्वान कह दे तो विकास कैसे होगा? ये समस्याएं देखो ऐसे बनी रहती है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, उद्योगों को लगाना और विकसित करना, ये भी बिल्कुल दिखती बात है कि ये गर्मी बढ़ाएगा, सब कुछ होगा, मशीनीकरण बढ़ेगा, मशीनीकरण से पर्यावरण को नुकसान होना है, धुआं, प्रदूषण, सब कुछ प्रभावित करता है, वनोन्मूलन, पेड़ों को काटेंगे, ये सब यदि बढ़ेगा तो पेड़ तो काटने हैं, संसाधनों का अधिक दोहन, मतलब अंधाधुंध दोहन। संसाधन के अंदर सब आते हैं, मानव भी एक संसाधन है, सभी आते हैं, सभी चीजें, ईंधन विंधन सब कुछ, मतलब जम के दोहन करना। तो जब अति किसी चीज की होती है, अति सर्वत्र वर्जित, जब अति किसी चीज की होगी तो वो फिर प्रभाव कहाँ डालेगी? पर्यावरण पे डालेगी। पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा तो अपन पे पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। पर्यावरण पे प्रभाव आज देखते हैं अपन, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कभी नामो निशान नहीं था, जब कोई सुना ही नहीं। नेपाल भूटान में मलेरिया देखने को नहीं मिलता था, वहां मलेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये मतलब पूरा क्लाइमेट चेंज, ये सब, ये पर्यावरणीय समस्या जो है वो यही, इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। अब बात करते हैं प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का। आज की क्लास साथियों पूरी तरीके से कंसेप्चुअल रहेगी, यहाँ पे कहीं भी ट्रिक्स काम में नहीं आती है, और मैं ट्रिक्स यहाँ पे आपको कहीं भी देने वाला भी नहीं हूँ। ये पूरी समझने की क्लास है, और समझ के आधार पे ही प्रश्न भी आता है, और उसी आधार पे आपको करना है। तो हमेशा से जहां पे जरूरत हुई है वहां ट्रिक दी है, जहां समझने की जरूरत है वहां समझाया है, जहां कंसेप्ट क्लियर करना है वहां किया है। फिर भी लगे यदि कि नहीं हो रहा है हमारा कंसेप्ट क्लियर, तो आप अपने स्तर पर और इसको अपग्रेड करके पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं रहा जा सकता, वो भी कोई मंद बुद्धि के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं। अब इसमें आ जाता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन ही ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा पूरा वैश्वीकरण, तापन यानी कि वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भट्टी की तरह वातावरण हो जाना, सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ना, जो आज की तारीख में अपन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, अभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारणों पर। कुल मिला के ये है कि असहनीय गर्मी होती है। तो अभी जो वातावरण है आप देख सकते हो, दोपहर को 12-1 बजे बाहर निकल के देखो, 2 बजे बाहर निकल के देखो, जो गर्मी इन महीनों में नहीं पड़ती थी वो अब पड़ रही है। ऐसी गर्मी जो सामान्यतः सहन नहीं की जा सकती, वैसी। तो यही ग्लोबल वार्मिंग है, और ये मतलब पूरे विश्व के अंदर है, न सिर्फ किसी स्पेशल क्षेत्र के अंदर नहीं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। क्या है देखो, विश्व के अंदर औसत तापमान का निरंतर बढ़ना, यानी कि ये समझे कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी के निकट का तापमान का निरंतर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। अब मतलब हर साल बढ़ोतरी हो रही है, हर साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछली साल गर्मी कम थी, इस साल ज्यादा है, अगली साल और भी ज्यादा होगी, उसके अगली साल और भी ज्यादा होगी, देख लेना आप। मौसम पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है आपके इसमें ग्लोबल वार्मिंग में। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो है आपके ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का विशेष रूप से योगदान रहता है। अब प्रश्न आपके, ये तो था कंसेप्चुअल, यहां पे फैक्चुअल प्रश्न बनेगा। फैक्चुअल प्रश्न कैसे कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ये पूछ सकते हैं
सुमेलित असुमेलित कहा सकता है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है ये पूछ सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें। अब देखो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, कैसे प्रभावित करते हैं देखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2, ठीक है, यानी विज्ञान वाले अच्छी तरीके से फॉर्मूले जानते हैं, ये 60%। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना यानी आप खुद समझ सकते हो कि ये तापमान में वृद्धि कर देती, क्यों, क्योंकि ये सूर्य की किरणों का अवशोषण करके गर्मी बढ़ा देती है ये चीजें, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। फिर आपके आ जाती है मिथेन, मिथेन जैसे ये अपने ह्यूमरस वगैरह ये सब खाद वगैरह से इनसे निकलने वाली गैस, तो मिथेन का जो प्रभाव रहता है PH4 का 20% मिथेन जो है ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आ जाती है, जो तापमान को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसें यानी तापमान बढ़ाएगी। ग्रीन हाउस है क्या, अच्छा ये समझना कि ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस एक तरह का मतलब कृत्रिम घर है, कांच का घर है, जो ध्रुवों पर, जैसे ध्रुवों पर ठंडक बहुत ज्यादा होती है, पौधे पनप नहीं पाते, तो उनको वातावरण, उचित वातावरण देने के लिए, यानी ध्रुवों पर उचित वातावरण यानी कि गर्मी वाला वातावरण देना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कांच का बॉक्स बनाया जाता है और उनमें इन गैसों के माध्यम से उस तापमान को मेंटेन करके रखा जाता है, जिससे वहां पे भी पौधे विकसित हो सके। ये ग्रीन हाउस है और यही प्रभाव पूरे विश्व में अब देखने को मिल रहा है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, यानी कि जो किरणें सूर्य की आ रही है यहाँ पे वो वापस मतलब लौट नहीं पा रही है, उससे पहले ही यहाँ अवशोषित होके वो गर्मी बढ़ा रही है, और ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मिथेन आ गया, अब ये है आपके फ्लोरिनेटेड गैसें। फ्लोरिनेटेड गैसों का प्रभाव 14% है, मतलब CFC को भी इसके अंदर ले सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापक है, यानी कि उसकी जगह काम में ली जाने वाली गैसें हैं। अब इसके अंदर देखो, देख पाओगे आप कि ये जो फ्लोरिनेटेड गैसें हैं उसमें आपके आ जाती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, ठीक है, फिर आ जाती है परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब ये जो तीन गैसें हैं ना, ये स्पेशली तीन आ जाती है आपके फ्लोरिनेटेड गैसों के अंदर। अब फ्लोरिनेटेड गैसें वैसे इसके प्रतिस्थापक के रूप में ली गई है कि ये जो है ओजोन का क्षरण कम करेगी, ठीक है, क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ये ओजोन का तो क्षरण कम करेगी, लेकिन ये वैश्विक तापमान सबसे ज्यादा बढ़ाएगी। ये गैसें, इनके अंदर कमी ये है कि ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुकाबले, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा तपन यदि कोई बढ़ाती है, प्रभाव इसका ज्यादा है, लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा यदि कोई बढ़ाती है तो वो है फ्लोरिनेटेड गैसें, ठीक है, ये चीज समझना। तो ये यहाँ पे एक विकल्प के तौर पर इनको काम में लिया गया, लेकिन इनकी ये कमजोर पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुकाबले वहां इसलिए काम में ली गई इन गैसों को, लेकिन ये वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बहुत सक्रिय रही है, तो ये बहुत ज्यादा तापन बढ़ाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है गर्मी भी बढ़ाता है और ओजोन परत का क्षरण करता है, जो अभी अपन ओजोन क्षरण वाले समस्या में पढ़ेंगे भी अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है जो 6% आपके इसके अंदर प्रभावित करती है ग्रीन हाउस गैसों के अंदर। तो ये देखो वैसे यदि इन देखो इनको देखोगे 100% है, लेकिन ये फिक्स 100 नहीं होते, पॉइंटों में होते हैं, और जो पीछे बचती है वो फ्लोरिनेटेड गैसें और अन्य गैसें होती है, वो सब इसके अंदर आ जाती है। स्पेशली यदि पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसों में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिथेन, एक आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये और अब फ्लोरिनेटेड गैसों से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये इसके प्रतिस्थापक के रूप में अब ज्यादा काम में ली जाती है, ठीक है। तो ये गैसें ध्यान रखना, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आगे बढ़े, ये अपनी पहली स्लाइड ही थी, देख लो आज समझने वाली चीजें कितनी है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने आ गया है साथियों ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या है। हालांकि आप सब समझदार हो, आप सब समझते हो कि इसके क्या प्रभाव है, लेकिन फिर भी चर्चा करते हैं कृषि पर प्रभाव। अब कृषि पर प्रभाव, उन्नत किस्में नहीं पैदा हो पाएगी, मतलब जो चीज चाहिए वो चीज जो पहले, आप देखो पहले के खाद्यान्न में, पहले के फल फ्रूट सब्जी में और आज के फल फ्रूट सब्जी में कितना बदलाव आ गया है। मतलब किसान भी जो है, जो खुद खेती करते हैं ना, खुद के लिए एक अलग से खेत में थोड़ा सा उगाते हैं वो अलग है, और बेचने वाला अलग उगाते हैं, ये चीजें देखी जाती है आसपास। यदि ध्यान दोगे तो आप देखोगे वो जो बेचते हैं वो वाला खाते नहीं है, क्यों, उसके पीछे कारण आपको भी पता है, ठीक है। तो कृषि पर प्रभाव पड़ता है, बर्फ व ग्लेशियर का पिघलना,
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं, महासागरों के जल में वृद्धि होती है, बाढ़ और सुनामी जैसी घटनाएं होना इन सभी का कारण है, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन। अब चूंकि वैश्विक तापन बढ़ने से, तापमान बढ़ने से लवणता घनत्व सभी में प्रभाव पड़ता है, और अपन ने धारा पड़ी थी, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनमें ये सभी थे। तो धाराओं की दिशा में, धाराओं के आयतन में, सभी में मतलब परिवर्तन होता है जो उचित नहीं है, तो ये भी यहाँ पे प्रभाव आता है। खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव, यही कृषि पर जो प्रभाव है वही खाद्यान्न उत्पादन पे भी प्रभाव है, उन्नत किस्में नहीं हो पाती है, तो वहां पे बहुत सारे इनके मतलब उत्पादन पे काफी सारा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन हो नहीं पाता, ये प्रभाव पड़ता है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता यानी कि मतलब जैव विविधता का मतलब ये है कि जीवों की अधिकता, यदि सरल भाषा में देखा जाए विभिन्न तरह के जीवों की जहां पे अधिकता पाई जाती है वो जैव विविधता है, यानी कि स्पेशल किसी क्षेत्र में कोई जीव पाए जाते हैं, सरल शब्दों में समझा रहा हूं तो जैव विविधता ये होती है, ठीक है। जैसे जैव विविधता पर प्रभाव कैसे पड़ता है, यदि देखो कि अंटार्कटिका में 40% पेंगुइन की संख्या में कमी आ गई है, ऐसी ऐसी कई चीजें हैं जो कई रेड डेटा बुक में ऐसे कई प्राणी है जो विलुप्त प्राय है, वो सभी इसके प्रभाव से भी, इन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही है, कई तरह की बीमारियां आ रही है, आजकल लोगों को चलते चलते स्ट्रोक्स आ जाते हैं, चलते चलते सीधा बिल्कुल सामान्य अवस्था में हंसता खेलता आदमी 2 सेकंड के अंदर अपना जीवन छोड़ के चला जाता है, कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, तो ये सारी चीजें हैं। माइग्रेन की समस्या, मैं खुद पीड़ित हूं माइग्रेन की समस्या से, गर्मी और मेरा 36 का आंकड़ा है, तो ये सारी चीजें हैं साथियों, तो ये प्रभावित करती है, ठीक है। जल तनाव व जल असुरक्षा, यही है जल तनाव और जल असुरक्षा, जल के लेवल में, पानी के लेवल में कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ेगा, जमीनी जल सूख रहा है, महासागरों के जल में कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं पे वर्षा अधिक हो रही है, कहीं पे वर्षा कम हो रही है, सामान्य यानी सामान्य रूप से कोई भी चीज नहीं हो पाती है, ये सारे इसके प्रभाव है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सबने ध्यान है उपाय, मैं भी बता दूं उपाय, करे कोई कौन, ठीक है, करना कोई नहीं चाहता, बताना सब चाहते हैं, ये है सभी को पता है, जो मैं बताऊंगा ना ये आपको पहले से पता है, ठीक है। और दूसरे, ये तो आज तो ऐसा है कि जागरूकता वाली क्लास ही हो गई एक तरीके से, और टॉपिक जोड़ा भी इसीलिए है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको बढ़ावा देना, उससे काफी सारा इसमें काफी सारी मदद मिलती है। कम ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देना, ईंधन जितना कम चलेगा तो गैसें अवशोषित कम होगी, उत्सर्जित कम होगी, और उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग में सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यहाँ कोई ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। कृषि में उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग करना, ये भी एक कारण है। पशु चराई और कटाई पर नियंत्रण करना, तो ये पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक भी है। वनीकरण को बढ़ावा देना, वनों को बढ़ावा देना, ठीक है ना, कहते सभी ये करते कोई नहीं। सीएफसी का संतुलित उपयोग, सीएफसी का संतुलित उपयोग कैसे हो सकता है कि प्रशीतकों में कमी, यानी कि जो ठंडे रखने के लिए जो गोदाम होते हैं सभी चीजें होती है, वो जैसे फ्रिज है, ये भी प्रसिद्ध की एक तरह का। एसी है, आजकल तो घर घर में एसी है, अब यदि मैं यहाँ बात करूं मेरे सामने एसी चल रहा है, ठीक है, अब हालांकि ये मजबूरी भी है, अपनी तो मजबूरी भी है, मजबूरी ये है कि यदि एसी नहीं चलाएंगे तो पैनल गर्म होगा, पैनल गर्म होगा पैनल हैंग होगा, क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, तो ये कुछ मजबूरी में होते हैं, कुछ शौक से होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यदि यहां चल रहा है, कहीं भी चल रहा है एसी, जहां चल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो वहां पे ओजोन को नुकसान है, ओजोन को नुकसान होने से फिर घूम फिर के बात यहीं पे आती है, ये चीजें हैं जो नुकसान सीधे सीधे पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी रेफ्रिजरेटर इनमें भी काम में लिया जाता है, और अपने अग्निशमन यंत्रों में भी काम में लिया जाता है, सभी के अंदर आता है, ठीक है। नगरीकरण व औद्योगिकरण को कम करना, करे कोई कौन, ठीक है, कम करना सिर्फ कहने के वास्ते, करे कोई कौन, न मैं करूं न थे करूं, करता कोई नहीं है, सिर्फ कहने के लिए, यदि करने लग जाए तो इस टॉपिक को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जोड़ने की आवश्यकता भी इसलिए पड़ी है क्योंकि करता कोई नहीं है, सिर्फ कहते ही कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपने और दूसरी पर्यावरणीय समस्या लेते हैं जिसमें ओजोन अपघटन, ठीक है। ओजोन जो है, एक ओजोन एक परत पाई जाती है, जैसे आप वायुमंडल तो आपने पढ़ा होगा बचपन से, पढ़ते आए हैं, कई जना कहते मैं आर्ट रो नहीं पढ़ी, कोई कह मैं साइंस रो नहीं पढ़ी, पढ़ते आए हैं सभी ने, हाँ ये बात अलग है कि याद नहीं होगा आपको
कि ओजोन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से है, क्रमशः याद करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी जो है सोम मंडल के बाद में जो समताप मंडल है उसमें एक ओजोन की लेयर पाई जाती है, और ओजोन जो है ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बनता है, O3 फॉर्मूला होता है, एक नीले रंग की जहरीली गैस होती है ओजोन, ठीक है। लेकिन ओजोन जो है वैसे जहरीली गैस है, लेकिन पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आई वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है, और वो पराबैंगनी किरणें यदि सीधी सीधी धरती पर आए तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक तरीके से एक जीवन रक्षक गैस है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के तीन अणु से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। समताप मंडल में ये जो है वैसे इसका फैलाव यदि देखा जाए तो 60 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, लेकिन सघनता यदि देखी जाए, अधिकता यदि देखी जाए तो 12 से 15 किलोमीटर समताप मंडल के अंदर 12 से 15 किलोमीटर के रेंज में ये ज्यादा सघनता इसकी देखने को मिलती है। ये करती क्या, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे ओजोन के क्षरण में मतलब ओजोन का क्षरण कम हो पाता है, हेल्प होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम इसका जो पता लगाया था वो जोसेफ फर्मन ने लगाया था 1985 के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर, कि वहां पे ओजोन की जो परत है वो पतली हो रही है और ओजोन की वहां पे अल्पता देखी जाइए। इन्होंने ऐसा शोध किया, इन्होंने पता लगाया, फिर बाद में धीरे धीरे ये ओजोन के छिद्र यानी ओजोन के छेद की संज्ञा दी गई। तो ये 1985 के अंदर इस चीज को, वैसे 1973 में इस पर ध्यान चला गया था, लेकिन 1985 तक इस चीज को क्लियर कर पाए कि ये ओजोन के अंदर ही शरण है, फिर इसे ओजोन के छेद की संज्ञा दी गई। तो भाई साहब को ध्यान रखना कौन से थे, जोसेफ फर्मन साहब, ठीक है। जोसेफ फर्मन जो थे उन्होंने फरमाया था, किसने फरमाया था कि ओजोन में गैस का छेद हो गया, जोसेफ फर्मन ने फरमाया था, ठीक है। ओजोन क्षरण के कारण क्या क्या है, यानी कि उसको कारक कौन कौन से हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही। इसके अंदर जो क्लोरीन जो तत्व होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अपने ओजोन के परत को, मतलब एक तरीके से ओजोन के परत को खाते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे अपनी चर्चा काफी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे चर्चा हुई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापक के रूप में हेलोन्स गैसों को शामिल किया गया। हेलोन्स गैसों में क्या हुआ कि हेलोन्स गैसों में क्लोरीन की जगह इसमें क्या किया गया साथियों, कि इसमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन को शामिल किया गया, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन को शामिल किया गया। अब ये ब्रोमीन जो है ओजोन परत के क्षरण को तो मतलब कम, ओजोन को तो कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये वही बात है कि वापस ये तापमान में वृद्धि बहुत करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में ये वृद्धि करती है। तो ये हेलोन्स गैसें हैं। फिर आपके आ जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सेम हेलोन्स गैसों की तरह ही है, इनको भी CFC के प्रतिस्थापक के रूप में यूज किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव प्रभाव भी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और फ्लोरिनेटेड गैसें, ये सब जो है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में, नुकसान तो पहुंचाती है, ये भी ऐसा नहीं है कि हेलोन कैसे नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तो ये भी पहुंचाती है, लेकिन CFC के मुकाबले कम पहुंचाती है। तो ये सारी जो गैसें हैं वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों में अग्रणी गैसें हैं, ठीक है। फिर साथियों एक पर्यावरणीय समस्या देखो गैस से संबंधित थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई। भोपाल गैस त्रासदी के ये डेट पूछी जाती है कि 2 दिसंबर 1984, ठीक है, कई जगह 3 भी मिलेगा, कई जगह 3 भी मिलता है, 2 दिसंबर 1984 है। इस समय क्या हुआ था कि एक सेमिन नामक उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, वहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो देख पा रहे हो आप, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव हो गया, लीकेज हो गया, और इतना भयंकर लीकेज हुआ कि दम घुटने से लोगों की लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,200 लोगों की मृत्यु हुई। और वैसे यदि देखा जाए इसके प्रभाव से उस समय या थोड़े समय में प्रभाव से इसके लगभग 8,500 लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में इतने लोगों की मृत्यु होना, आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जनहानि हुई, कितनी बड़ी त्रासदी थी। तो यह भी एक तरह के पर्यावरणीय समस्या के अंदर ही लिया गया। इसमें एक तो आपको गैस याद रखनी है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण, और सेविन नामक उपकरण, डेट जरूर याद रखनी है भोपाल गैस त्रासदी की, ठीक है साथियों। आज की ये जो क्लास है अपनी, ये अंतिम स्लाइड थी, ठीक है, हालांकि आज की पूरी क्लास कंसेप्चुअल थी। अब इसके लिए जो प्रयास किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये सारे के सारे IPCC वगैरह, ये सब अपन कल पढ़ेंगे, इसके
जो आगे वाली क्लास है उसको कल पढ़ेंगे, और उसमें इनसे संबंधित ये तो थी समस्याएं, अब इसके निराकरण से संबंधित क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं विश्व स्तर पर, उनसे संबंधित बात अपन करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये नॉर्थ मेकिंग पैटर्न पे जो चीज पढ़ानी थी वो आपके लिए खरी उतर रही होगी, और आप लोगों के लिए ये चीज जो आपने गाइड में एक्चुअली आप पढ़ चुके होंगे, अपनी जो गाइड है उसमें भी पॉइंट यदि देखोगे तो आप इस हिसाब से दिए हैं जो मैंने समझाए आपको व्यवस्थित वापस, वो इस हिसाब से दिए, लेकिन अब आप जो पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर एकदम आराम से बैठने लगेगा। कोशिश यही है साथियों कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वैसा आप भी समझ जाओ, बस इसी प्रयासों के साथ में ये प्रयास ऐसे ही चलते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।